भाई टांगी भी कहे हसन की बात हमने भी कही हो खड़ा हो के टांगी का नाम ले दे मेरा गोडा दाब दे से मने रोक दे से यो बकस दे दे। पर एक बात बताऊं देख सुरेंद्र सर तू बुरा मानिए तेरी गेल बन रही है खोटी हूं देखा जा वो क्लास में बालक बैठे मास्टर ना का मिला बच्चो बोले हाँ जी बिना ऋषि लिखो इवो बालक ऋषि लिखन लागे इस पर का दा बोता है उस पर वो री को बने ने और डाल की गुंडी लाग गया उसमें वो री है ना बने वो मास्टर हंड देखता इसका तो राय कहने बोले हाँ तू कर दे गुंडा गुंडा मुंह करे अरे बोला ऋषि लिख वो रे बने नीरी खड़ा होकर जोर कहने बोला मास्टर जी ऋषि की जगह बाबा लिख दो तेरे पर होना जाना कि मैं सैनी तेरे पर बाबा भी ना लिखा जा तू के क्या यार कौन सी दुनिया मरे जो बेरा ना समीत गाना पाचा पड़े हैं सुरेंद्र गए एक बड़ी तेज कुतिया थी पुराना टेम खटवाली गांव में लाने का कोल्लू उसमें रहा करती इब लाने के कोल्लू में पाठ देखनी पड़ा थी तेरी वारी कोट बावज और वह कुतिया चाहे पूड़िया तला रोटी दबरी होंगी चाहे पत्ती में रोटी होंगी रोटियां निकाल के खा जा जिसका खेत में कोल्लू था उसकी रोज लाने आवाज नफे की काट के खाएगी आज प्रकाश की काट के खाएगी और जब रोटी खा करते उस कुतिया ने टूक पकान देने वह आवाज में कैच कर लेंदी तो रेत में ना दसन दिया करती जो कर मिड विकेट का फील्डर हो ना हाँ और जो कर अजरुद्दीन था इसी जगह खजारा करता जो कर बाल टीम गाल दी बाल छोटा नहीं करता बाल पंडित विशंबर जी 500 रुपए बाबा जी के नाम और 300 रुपए तीनों पार्टियों के बार बार धन्यवाद है धन्यवाद देख लिया भाई लाने को आज इस कुतिया का रोग काटना है सुरेंद्र भी काट देगा कद ने कद रोग क्यों एक चुप सोया ने डटिया कर बोला भाई आ जाओ रोटी खावा अरे ओखटी की ठेकर ताती कर ली बोरी लागन अरे वह कुतिया तो पूछ हलान दी आई फिर दौरे बैठ की एक ने टूक पकाया उसने हवा में कैच कर लिया दूसरे ने फिर टूक पकाया फिर हवा में कैच कर की तीसरे गेड़े जिसके खेत में कोल था उन्हें चमटम पकड़ के ठेकर पकाए दी ठेकर ने कैच कर की तो समित न्यू बननी है तू मेरा बड़ा भाई है भाई कड़ा वकील भी ना बने कदे फिर तू श्री डालवा दिशा भी चेंज हो जाएगी गुस्सा करता है हाँ वो बड़ा भाई था छोटे भाई ने बोलिया रे मन तो टाइम कोन्या तू नु करतरी वापी न लिया वो सादा था बेचारा कत्ती है छोटना भाई वो भाई की ससुराल पहुंच गया और चालने तो पहले घर बोलिया यार मन बोलना आता ना मैं क्या कहूंगा उड़न बोलिया के मैं ना कहना एक बार जी कह दी रे एक बार ना जी कह दी तो कुछ नहीं करना होगा बजा ठीक पहुंच गया ससुराल वा उसका बड़ा भाई की सासू ने सिर पुचकारा नुबली आ गया बेटा नुबली हाँ जी नुबली बेटा अगर हाँ सारे ठीक ठाक बोला ना जी वो बुढ़ा बीमार रहा करता सोचा ले कदे बुढ़ा नुबली तेरे बापू का जमन तो ना हो गया नुबला वो तो ठीक से
बोला और तेरा भाई बोला हाँ जी सारे कुंभ में तो करलाट मच गई है बिल्लो रांड हो गई है सारा कुंभ चल की मारे लोग रोंदे देख के उल्टा है बाज लिया अपना भाई दो रोन मिला तू लिया नहीं तेरी भाभी ने बोला लिया कितने बोला क्या बात है बोला और तो बिल्लो रांड होली हाँ बोला राम खोर रांड होली मजीर ना घर नु कुक रांड होगी मैंने अच्छा पर कबुआ रांड होई जी तुम्हें तो तू जीव था नरेंद्र भाई सुन तो होना है सर तू के कर देगा इसका ये बात पहले तय हो ली थी मारी नरेंद्र भाई कह था अब यो समय ते तेरा माग मन न छेड़ेगा यो और तन्ना आज बोलना नहीं है अब सीध में सीधा जब पुलिस हालन छेड़े तो फिर इसने बस साइड दे यो बीच में एक प्रतिबिंब बना लिया इसने यो नरेंद्र भाई ने मेरे ताई पहले हैं बता दी थी मेरा तन्ना आज कुछ है नहीं करना है अगला प्रोग्राम में देख लिए नाकल वाकल हम देख लूंगा क्या कहा दो नंबर माता सुमित ने न्यू को हूं सभ्य सभ्य सभ्यता जहाँ तक हो वहां तक कायम रहना चाहिए चल जगह काम नोट है और एक दो भाई बड्डा को 33 करोड़ कर गया छोटा 27-27 का ओ अपने प्रदेश में थे जोगाढ़ा बैठा लिया ब्याह का और वह आगी बेचारी वह सुबह चा बना के अपने चेठ दौरे लेगी बोले लो भाई साहब लो भाई साहब चाय पियो और कचान अपना भाई दौरा गया न बोले ओ भाई पोती बांधनी आएगी तो पहले मना तू उन्होंने पाके दिया डू दिया पोती बांधने आने के पहले मैं तो उन्होंने बात बता पाते थी नया काम क्यों बंद है उड़े बंदे आ रहे थे ना पहले आप तेरे आता ये तू चश्मे लावे है ना और एक गांव में एक ने एक आंख तो दिखाई ना करता अब घूट मार रहा था कहीं रात ने घूट मार के गाना गावे आज मेरी यार की शादी है जो पहले आदमी गर्मी में बाहर सोया कर दे वो पड़ोसी भी सुने अब फलाड़े का भाई गाने गान लाए रहा है वो बड़ा भाई आया बोले यार तू लोट गया यार न बोले के करूं अखे को न लग दी फिर दूसरा गाना छेड़ दिया रब ने बनाया तुझे मेरे लिए होगा भाई फिर आया बोला रे सो जा बोला भाई के करूं मैं को ना लगती तीसरा गेड़ा तो गाना छेड़ा जब नींद कहाँ आती है लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में उसका भाई ना आगे दो लठ पाड़े मिला डेडे सारा काम की दो लाख की तेरी एक नहीं लगती मेरे को ऐसा लगता है कोई चाल चल रही है मेरे को ऐसा लग रहा है एक यो तो खड़े हो कनुका मन नरेंद्र नाट रहा है यो खड़े हो कम मन ना कैसे अजीब सा काम नहीं हो रहा तू खड़े हो नरेंद्र इस रनू नहीं कहता तू कि मैं भूख दे के मैं कह दी और यो फिर खड़ा हो कनुका मन मेरे मत तो कहगा यो तो पुलिस आने ने सीधी पुलिस आने ने मैं डरू किसे ने पुलिस आने ने मन बेरा पुलिस आने का जिसी जाए तो जिंदगी वो एक पकड़ रखा पुलिसिया ने और उन्हें भीतर ले गए थाने में काम बढ़ लिया बेचान बोला नो कर लो इस पे इब उसने बेरा था इनकी जाए तो कात कितनी कोज है 500 का नोट काट कर नो बोला जी करो ना काम ने क्यों खाम खरोड़ा कर ली नो बोला फिर भाई बार अफसर अफसर सुनेंगे मकान कमारों वाला लठ तू को दियो हायर मर गया हायर मर गया सोका और काट दिया नुबला वो भी तू कर दी ये हो रही इस टकरने से मेरा मैं पुलिसिया नहीं छोटे ने मेरा थम दम नु आ जाओ ने भाई मन को ना सुमित दियो बाकी मन ने देखा हट बोलना हाजिर
आजाद की इज्जत मैंने ले रखी भाई साहब तो बगियो सुल्फा पीड़े आयो कुछ भी कैसे गए इसके तो धनबंदरी है मेरा पाबंद की हर सुल्फा ना नहीं जाका हम होना बटे हूँ नहीं भाई साहब कहाँ लग जाए वो दो गाड़ियाँ लो आठ दारू पीने लायक रही और वो बैग बना दिया भीतर में फिर बैग बना दिया भीतर में चौखे नशे बन गए फिर बैग बनाया वो खाटा हम मुंह करया फिर खान का याद आ नमलरो के में खान को भी ले रहे हो बोलो आरना ने काक कर दी सुमित मतलब मेरी काक चाहती है तीसरे नंबर पे क्या यो भी ठीक कह रहा है अक्के मैंने के मैं चाल है चाल तो होनी भी चाहिए एक बार वेस्ट इंडीज की टीम आएगी तीन मैच खेलने दे टेस्ट मैच इंडिया में और इंडिया की तरफ तो ओपनर उतरे संजय बांगड़ और वीरेंद्र सहवाग ये संजय बांगड़ तो टॉप को तो ये डाय दे और सहवाग का ने आओ बैठ दे वेस्ट इंडीज वाले ने बोले एक बॉल को छेड़ता नहीं एक बॉल को छोड़ता नहीं तो यो मैंने डाइट रहा क्या है फिर आप काम पर जाएगा और तू के कहता पुलिस पाले खड़ा के मैं सोता ना हूं ना पछे पछे ज्ञान हो हमारे दिन थोड़ा बच रहा तू ही पे आप अपनी जगह सारी ठीक हो है और एक थाने में को मर्डर हो गया और जब थाने गए रही है मको हिंस क्राइम हो गया तो जितने 10 नंबरी हो ने उनके कागजा ने खंगाले आ रही है एक 10 नंबरी ने बुलाने चले गए एक दरोगा दो सिपाही जब सी ले गए बोले अब चाल वो 10 नंबरी हो रहा था फारे के सांझ का टाइम था नो बोले जी करक कितनी बार लगेगी रोटी खा के फिर चाल पड़ेंगे कहीं पे अनु उधरों का न्यूज समझ माई कदे रोटियां कहने चलिया जा रहा हो ना फिर फिर चक्कर काटना पड़े वो छपाई भी नहीं बोले जी लांगरी भी ना थाने में रोटी खाए चाल लेंगे ये वो रोटियां कहने चलिया जाने टेम चादर उठ के दरों का भी पाछा पाछा लिया और घर जाकर उन्होंने रुका मारिया बोले चार पांच लेपर आला ही रोटी बना दे गल ना लखा छाए है दिखी उसने ओहो दरोगा खड़िया है तुरंत पा बदल गया बोला ले पराला ही पाछा बना दिए पल्ले बटे हुआ ही बना दिए इब मैं समझ गया सारी बात मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में कोई अंदेशा नहीं रह गया पहले तो यहां बात बता दूं मैं सुरेंद्र ने जो चुटकला कहा था वो सड़का था हमासे को ना सुरेंद्र तू चुटकले मत कहा कर तू रागनी गाय के साज बाज जदी दिन का गुदगुदी कर कर तन्ने कहना ही नहीं आता क्यों नरेंद्र का नाम ले जा तू बार सिद्धि कह दिया भाई मन नहीं है ना आती ये ले बस तू के कहेगा मन यो ना आती क्या मन वो ना आती क्या बार बार क्यों अंडे से जब ना सचते चुटकले तो ना कह ले बात खत्म हुई या तो या जानकारी तने बढ़िया दे दी इबो पुलिस वाला देख लो भाई इस पुलिस वाले का सिस्टम दारूबंदी थी दारूबंदी मारी है ना मत दारू भी क्या नहीं करती बादरगढ़ बॉर्डर पार करकन एक बुड्ढा दिल्ली में बढ़ गया दारू की ललक करड़ी वो बादरगढ़ तल्ले कड़क के बॉर्डर उड़त बॉर्डर पे ठेके आछे दिल्ली के उड़त बोतल ले ली आज हम मारे पांच चार पैग नशे हो गए गणे एक पुलिस आला आवे और उस पुलिस आला ने देख कर बुड्ढा डर गया करना के भाई क्यों बंदी मराया करता बेचारा अग भाई मारेंगे उस पुलिस आला तो डरता और भाई दिल्ली में ना गंदे नाले बहुत हैं बहुत बुरा हाल हो रहे वो बुड्ढा उस गंदा नाला पर बैठ के और उस अड़ंगा में हाथ मारेंगे वो पुलिस वाला आया अंदर बोला ओए तू क्या यार
बुड्ढा ने बोला बेटा कुछ ना, इसमें मेरा 5 का भोनी का सिक्का पड़ गया, इनकी औकात इतनी है उसे 5 का भाग्या से। बुड्ढा दमका के ता दिया आर उड़े बैठ के कि मैं इनकी वर्दी भी आती बाजू की हो है अर्थ चंबो और सामली आर बैठ के उस नाले पर उस गंद में गैसे और वो बुड्ढा दस एक दिन जाकर उसने उल्टा लखाया। अब छोरे गेल तो बहुत खोटी बनगी आके बोला बेटा बोला हाँ बोला मेरा इसमें कुछ ना पड़ रहा ला फिर क्या होगा ट्राई मारने में क्या था इनका पल्ला नहीं कुछ ये 500 रुपया की खातर ट्राई मार तेरे से कुछ ना है पल्ले वो काम खा चोड़े हुए मानना कौन है सुनते नहीं चश्मे लगवा होगा वो मानने में एक सुलफेड़ी थाने आके खड़िया हरने का बंदरी हरने वो कहे या सरकार सरकोर कुछ ना होती फिर कह दी बोले सरकार सरकोर कुछ ना होती पुलिस वाला अंदर ले गया उसने अंदर ले जाके बोला के कह था बोले सरकार सरकोर कुछ ना होती मार मार के भूड तैर दिया बाहर आ गया बाहर आंदे फिर यह बात कह दी बोले सरकार सरकोर कुछ ना होती पुलिस वाला आ गए सैमी बोले अंदर सरकार भी सब कुछ है पुलिस वाला आकर मना